मंडलायुक्त जम्मू एच के शर्मा कालकोट के डाक बंगले में पहुंचे, जहां उनके साथ वित्तीय कमिश्नर लोकेश झा, कमिश्नर सचिव राजस्व शाहिद अनायत उल्ला, कमिश्नर सचिव खुर्दीश शाह समेत जिला आयुक्त राजौरी डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी भी मौजूद थे। जिले की मांग को लेकर कालाकोट, नौशहर और सुंदरबनी के लोग मांग कर रहे थे। इसी मामले को लेकर कुछ अधिकारियों का दल लोगों से बात करने कालाकोट पहुंचा था। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। इस नारी को, भारतीय नारी को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है, जब समय आता है, तो ये नारी विकराल रूप धारण करके प्रचंड रूप में मां काली का रूप भी धारण कर लेती है। सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सर्टिफिकेट हो चुकी है, जिनकी डिमांड एक ही है और वो है डिस्ट्रिक्ट। मैं सरकार को एक बात बता देना चाहती हूँ, सरकार ये मत समझे कि ये महिला सिर्फ हाथों में चूड़ियां ही पहनना जानती है। जब जरूरत पड़ती है तो ये नारी, ये महिलाएं हाथ में तलवार लेना भी जानती है। उन्नीस सौ 96 में इलेक्शन हुआ था, अशोक शर्मा जी कालाकोट से विधायक बने थे। कालाकोट में 3-4 महीने स्ट्राइक चली थी। बदकिस्मती की उनकी थी कि वो कभी एक दिन भी उस स्ट्राइक में शामिल ना हुए। 2002 में इलेक्शन हुए, कालाकोट से वो विधायक नहीं थे। आज इस आंदोलन के बीच में जो शख्स शामिल नहीं हो रहा है, वो आने वाले वक्त में अपना चेहरा देखने के लिए तैयार है। कालाकोट का आंदोलन कालाकोट की आवाम के लिए है। कालाकोट के हित में जो होगा वो जनता के हित में है, और सरकार हमेशा जनता के हित के लिए होती है। जो सरकार जनता का हित नहीं, कोई मसला नहीं है। यहाँ लोगों की आवाज है, लोग चाहते हैं कि कालाकोट से कोई भी शख्स इलेक्शन लड़े, उसे कोई वास्ता नहीं है। आज हर एक पार्टी का शख्स जो है, हर पार्टी से तलक रखने वाला।